हम सो रखे थे, हमें लगा ट्रांसफार्म फट गया, लेकिन पता लगा यहाँ तो। वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। आज सुबह फॉगिंग हो रही थी, फॉगिंग की आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कहीं ट्रांसफार्म फट गया हो, बट ऐसा नहीं था। मंगू तो बहुत डर रहा था गाइस, अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको कितना डर रहा था मंगू। तब मिलते हैं गाइस, मैं तो कहीं जाने के लिए तैयार हो रखा था, देखा यहाँ तो बारिश हो रही है। मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा है गाइस। गाइस ये देखिए मंगू कितना डर रहा है, धुआं ही धुआं कर दिया उन्होंने। देखिए गाइस ये डर गए हैं, मंगू तो बहुत ज़्यादा डर गया, इसके पास में रखा हुआ मंगू डर गया मंगू। हेलो गाइस, आज हम वैसे कहीं जा नहीं पाए हैं, सुबह से बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मार्केट गए थे हल्की थी, बट अभी अभी आप देख सकते हैं मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा है बाहर। तो गाइस अभी हम घर पे ही थे, तो बाकी और कोई घर पे है नहीं, बाकी लोग ऋषिकेश जा रखे हैं, तो मैं अकेला था। तो दिन में अभी 2 बज गए हैं, तो खाना तो बनाने रखा था, हमने बनाना था, तो देखिए गाइस दिखाता हूँ मैं आपको आज हमने क्या बनाया है। तो गाइस वैसे इसमें दाल उबाल रखी थी, बट हमने दाल बनाई नहीं, चावल भी रखे हुए थे कि पकाने के लिए, फिर मैंने इतनी मेहनत कौन करेगा, तो हमें मिला एक मैगी का पैकेट गाइस, तो हमने मैगी बनाई है। ये ऐसी ऐसी मैगी नहीं है गाइस, ये दही वाली मैगी है, इसमें 1 कटोरी दही डाली गई है पूरी, तभी मैगी बनाई गई है। तो आप देखेंगे गाइस बहुत अच्छी मैगी बनी है ये, आप देखिए इसे गाइस, अभी ये पकेगी गाइस और तब दिखाएंगे गाइस आपको। चलिए गाइस तब मिलते हैं आपसे, अभी तो फ़िलहाल मैंने मैगी रख रखी है, वो बन जाएगी तब खा को के तब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे बाहर बारिश हो रही है, कहीं तो जाना होगा नहीं, तो शाम को मिलते हैं गाइस आपसे। ओके बाय गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम सो रखे थे शाम को, तो रियांश मम्मी और रक्षा के साथ वापसी आ गया है। तो ये कदा बहुत शैतान है, ये देखिए आप, ये रहा गुस्सा आ रहा है। अच्छा रियांश हाय कर दो पहले, ऐसे ऐसे करके हाय करो पहले। चाचा तो गाइस आप देख सकते हैं रियांश स्नैक्स खा रहा था, मैंने इसको बोला मेरे को भी दे दे, इसने मेरे को दिया नहीं। रियांश कैसे बोलते हैं नो? अब इसको ये देखिएगा, इसे इसमें चक्री मिली है, ये गिरे ना, इधर इधर बैठ, इसको क्रैक्स में चक्री मिली है गाइस, चक्री। अब इसे ऐसे घुमाएंगे हम अभी, तो कानो कैसे घूमेगी ये, बुआ करके। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको कैसे चक्री घूमेगी रियांश की। तो गाइस ये चक्री है रियांश की, और ये देखिए गाइस कैसे घूम रही है वो चक्री, वो देखिए गाइस, अब क्या ये रुक गई गाइस, फिर से दिखाते हैं हम आपको घुमा के। देखिए रियांश पैर लगा रहा है चक्री में, शैतान जो है। यहाँ देखो रियांश इसमें शेर का है, शेर बताओ ये है। हाँ। और जिराफ का है ये है, और टमाटर का है ये। और रियांश को तो सब आ गया भाई। तो देखिए गाइस रियांश अपने नानी के यहाँ से आया है, अब ये
बर्तन का टोकरा खाली कर रहा है। लगाओ रियांश, कहाँ लगाते हैं उसे? हाँ लगाओ, रखो सामान, रख दो सारा। हाँ रखो, रख दो। देखिए भाई उसे सब पता है चम्मच कहाँ रखते हैं। रियांश रखो, हाँ रखो, उसे भी रखो। तो ये देखिए नन्नू को छिपकली दिखी। नन्नू कौन है ये छिपकली? हाँ। अच्छा ये छिपकली? हाँ। नानी के लिए आएगा अपनी? हाँ। डब्बे में दूध तेरे को पैक करके? हाँ। फिर कहाँ ले जाएगा? नानी। नानी को देगा फिर? हाँ। नानी मारेगी तेरी? वे? हाँ। चाचा ना आए? तो गाइस देखिए 7:30 हो चुके, इसको अपनी नानी के यहाँ जाना है। कहाँ जाएगा? नानी के यहाँ? कहाँ जाएगा नानी के यहाँ? एक्टिंग कर रहा। अच्छा। बता पहले, बता कहाँ जाएगा? नानी ये। नानी के यहाँ छोड़ दो तेरे को? चलो तब। तो गाइस हम रियांश को उसकी नानी के घर छोड़ने जा रहे हैं। रियांश कहाँ जा रहे हो तुम? नानी। नानी के यहाँ जा रहे हैं। तो वो अभी से ऋषिकेश छोड़ के आ रहे हैं हम, बस तब मिलते हैं गाइस। अब कल मिलेंगे। ओके गुड नाइट गाइस। बहुत शैतान है, पता नहीं कैसे जाएगा ये। बाय गद्दू नन्नू। बाय।